हेलो गाइस, आज मैं जो बताने वाला हूँ वो छोटी छोटी बातों की एक छोटी सी 2 या 3 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ एक बातें पता चलेंगी। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करके वीडियो चालू करता हूँ और आपको सिर्फ यही आग्रह करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हरदम मिलते रहे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि जैसे कुछ एक बीमारियां होती हैं, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है वो कुछ दिनों तक आपको ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आती। घबराइए मत, ये सब जो बीमारियां हैं जैसे कि कैटरैक्ट, फिस्टुला, गॉल ब्लैडर स्टोन, प्रोस्टेट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हर्निया, वेरिकस वेन, लंग्स, सिस्ट, ये सब बीमारियां आप इनको एक रेगुलर ट्रीटमेंट पे भी इसको सप्लाई कर सकते हैं, एंड देन यू कैन वेट फॉर द बिग ट्रीटमेंट व्हेन योर पॉलिसी इज एलिजिबल फॉर दैट। क्या आपको पता है PED क्या होता है? गाइस, PED इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो कि आपके बॉडी में रहती है और वो 3 से 4 साल तक क्लेम नहीं की जा सकती। आप बाई पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम यू कैन ओवरकम इट और यू कैन टेस्ट योर बॉडी एंड रिड्यूस योर पीएम। रीस्टोरेशन जो कि हेल्थ पॉलिसी में आती है वो एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है जो कि सभी को उपयोग करवाना चाहिए या वैसी पॉलिसी लेनी चाहिए। इसमें होता है क्या है कि अगर आपका पॉलिसी 10 लाख की है और वो ख़त्म हो चुकी है और ड्यूरिंग द सेम ईयर यू विल गेट हॉस्पिटलाइजेशन, द रीस्टोरेशन विल बी डन बाई द पॉलिसी कंपनी विच कैन गिव यू 100 to 300% सेम अमाउंट फॉर योर ट्रीटमेंट। और बहुत सारी जानकारी के लिए मैंने छोटी छोटी टिप्स की बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं और भी बनाता रहूँगा। बाकी मेरी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत वैल्यूबल बातें पता चलेंगी। और आपको सिर्फ यही आग्रह करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा जिनको ये पता चले और उनको ये बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए